हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड पे डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए कहाँ से आई, आपको मैंने बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए उसको स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड से जोड़ना पड़ता है। और इसको जोड़ने के बाद जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पोटेंशियोमीटर द्वारा हम पता लगा करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्व कर सकते हैं, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड से जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है उसको स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने क्या करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए, और कैलकुलेट करने के बाद उन सभी को एक सीरीज के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीज मॉडल में क्या कर दिया, उनको अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद एक सीरीज बन के तैयार हुई जिसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किए गए, स्टैंडर्ड कंडीशन पे उनको क्या करा गया, उनको सॉल्व किया गया, इसीलिए वो सारे सारे क्या कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और इसमें जितनी भी हाफ रिएक्शंस हैं वो सब रिडक्शन फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो इसीलिए वो सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह दीजिए या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह दीजिए, तो दोनों ही की बात है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, यानी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, एक सीरीज के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वो सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्या है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसे शॉर्ट में कहते हैं ECS। शॉर्ट में क्या कहते हैं ECS। E क्या है इलेक्ट्रो, C क्या है केमिकल, S क्या है सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसकी उसमें निकली है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, different elements are arranged in increasing or decreasing order called electrochemical series ECS। तो यानी जनरली क्या है, हिंदी में बताएं आपको वही है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एक सीरीज के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख करके जो सीरीज बनी उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम दे दिए, और वो किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष में है। तो अब है क्या, देखिए इस पे बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाते हैं। और इसके देखो आपको मैंने बताई थी ट्रिक है, बताइए देखो ट्रिक की भी क्या जरूरत पड़ेगी, है ना, ट्रिक से हमें क्या फायदा होगा। ट्रिक से हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर हमें ये नहीं पता कि सोडियम का जो स्थान है वो मैग्नीशियम से ऊपर है या नीचे है, तो उस पर क्वेश्चन फिर उसमें क्या हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। तो इस ट्रिक से हर क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है उस पर सभी पे देखिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस पर देखते हैं क्या, तो पहले बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
इधर बनाते हैं हाफ रिएक्शंस, हाफ शेल रिएक्शंस, इधर बनाते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, इधर बनाते हैं एस स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल किसमें? वोल्ट में, या इसको क्या लिख सकते हैं सीधा एसआरपी को, या एसआरपी या एसईपी, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए है क्या, ध्यान रखने ट्रिक क्या है, ट्रिक है ये लिखवा, चलो इसको इधर लिखते हैं ना, इसकी जोड़ पड़ेगी, यहां लिखते हैं लिखवा, लिखवा, फिर क्या सरकाना, सरकाना, लिखवा सरकाना, मग अल, मग अल, मंजन किरो, ठीक है, लिखबा सरकाना मगर मंजन किरो। इसके बाद आता है फिर फिको, फिको निपक, निपक हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका, तो बहुत अच्छी ट्रिक है ये ट्रिक, तैयार तो समझ लो हमारे टीसीएस के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब देखिए लिखबा है क्या, लिखबा यानी लिखबा से, चलो इसको ऐसे नहीं, ऐसे सीधे लिखते हैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो लिखबा, लिखबा सर गाना मग अल, मग अल मंजन किरो, फिको निपप, फिको निपप, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है आपका, ये ट्रिक है। अब देखिए ट्रिक ये, इसमें कौन सा एलिमेंट को क्या हमने कोडिंग बनाई है, लिख बा, ली का मतलब एल आई, के का मतलब पोटेशियम, पा का मतलब बेरियम, सर का मतलब एस आर, का मतलब कैल्शियम, एन ए का मतलब सोडियम, मग, मग का मतलब क्या है एम जी, अल का मतलब एल्यूमिनियम, मन का मतलब मैगनीज, और जिंक का मतलब जेड एन, क्रो का मतलब सी आर, फी का मतलब एफ ई, सीओ का मतलब कोबाल्ट, नी का मतलब निकेल, और पप का मतलब पी बी। ठीक है, देखिए है ना सिंपल, यानी ये सारे हैं। हाई का मतलब क्या है एच, कोर्ट का मतलब क्या है सी यू, है का मतलब क्या है एच जी, ए आप में ए का मतलब है ए जी, और यहां ए का मतलब क्या है ए यू, और यहां पी का मतलब क्या है प्लेटिनम। तो ये है ईसीएस में इनको अरेंज करके रखा गया, इनको अरेंज, इनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है। अब देखिए इसको ईसीएस, ये तो है ट्रिक, आई थिंक आपको ट्रिक पसंद आएगी और इससे आप ईसीएस को आसान बना सकते हैं। देखिए लिख बा, ली माने लिथियम, के माने पोटेशियम, बा माने बेरियम, सर माने स्ट्रॉन्शियम, का माने कैल्शियम, ना माने सोडियम, मग माने मैग्नीशियम, अल माने एल्यूमिनियम, मन माने एमएन, जन माने जिंक,
क्रो माने क्रोमियम, पी पी माने एफी, को माने कोबाल्ट, और नी नी माने निकिल, पब माने पीपी, हाई कोर्ट माने एच, हाई माने एच, कोर्ट माने सीओ, और है माने एच जी, और आप में एक एक का मतलब ए जी, सेकेंड एक का मतलब ए यू, और पी का मतलब प्लेटिनम। तो ईसीएस ने इसको कैसे सीरीज करा है वो देखते हैं। देखो इसको, तो देखिए इसको कैसे सीरीज करते हैं। जैसे यहां एल आई पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बना लेगा एल आई। ऐसे लिंक बार पोटेंशियल पे एक पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये बनाएगा पोटेशियम। बार बेरियम, बेरियम पे कितना चार्ज, टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये बनाएगा बीए। शर एसआर, एसआर पे टू पॉजिटिव, ये भी दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्शियम। सर लिख बस सर काना, के पे वन पॉजिटिव, नहीं सी ए पे टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्या बना लिया इसने, कैल्शियम। सर कार्ना, एन ए पे एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, ये बन जाएगा एन ए। तो लिंक बा सर काना, सर काना मग ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन जाएगा एमजी। अल एल्यूमिनियम ने तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन जाएगा एएल। मग अल मगल मंजन पे टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, एनएल। मंजन जेडन पे भी टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन जाएगा जिंक। मंजन करो तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन जाएगा सीआर। पिको एफ पे टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन जाएगा एफ। फिको कोबाल्ट पे टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन जाएगा कोबाल्ट। फिको निपा निकिल पे टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बनेगा निकिल। निपा पीबी पे टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बनेगा पी। ठीक है, ये तो इधर ये बन गया। अब देखो सेकंड वाला हाई कोल्ड है आपका, हाई कोल्ड में क्या बनेगा, एच पॉजिटिव, यानी एच पॉजिटिव क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, क्या बना लेगा, एच, यानी आप एच को बना लेगा। और हाई कोल्ड सी यू पर टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बनाएगा सी यू। है एच जी, एच जी पे टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, बनाएगा एच जी। हाई कोल्ड है आपका ए जी, ए जी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, ए जी। और यहां पे बना देते हैं फिर पी टी, पी टी पर टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बनाएगा, पी टी। फिर आ जाएगा एयू, एयू पर थ्री पॉजिटिव, तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए, बनाएगा एयू। यानी ये फिर ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो सारे एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी एसआरपी, एसआरपी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन में दिए होते हैं। क्वेश्चन में एसआरपी वैल्यू देगा और आपसे पूछ लेगा रिएक्टिविटी, पूछ लेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, पूछेगा या रिड्यूसिंग नेचर पूछेगा। तो हमें एसआरपी वैल्यू याद नहीं करनी है, वो तो क्वेश्चन का काम है, क्वेश्चन में वो दिए हुए होते हैं। लेकिन कुछ होंगे मैं लिख देता हूं, देखो इसका इसको रिप्रेजेंटेशन सेल को, अब ये सारे रिएक्शन रिडक्शन के रूप में लिखी हुई है।
इसलिए वहां जो एसआरपी या एसीपी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी। देखो सारे सब इलेक्ट्रॉन गेन करें तो रिडक्शन, कुछ होंगे में देखो अब सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट एल आई पॉजिटिव तो रिडक्शन फॉर्म में लिख रिएक्शन लिख दिया, एल आई पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है एल आई, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेल जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे ईएमएफ वो रिडक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा, एल आई पॉजिटिव से जा रहा है जीरो में, तो पॉजिटिव से जीरो में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होने ही क्या है रिडक्शन, तो ये क्या हो गया यहाँ पर डिक्रीज, ये हो रही है डिक्रीज, और डिक्रीज में क्या होता है रिडक्शन, डिक्रीज में हो रहा है यहाँ रिडक्शन, ठीक है। तो सबके रिप्रेजेंटेशन सेल ऐसे एक पर बी एक को पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी बी एक सबको ऐसे लिख देंगे, ठीक है हमने एक को लिख दिया सारे ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब इसका स्टैंडर्ड एसआरपी वैल्यू है क्या, एसआरपी वैल्यू होती है इसकी -3.04 वोल्ट, एसआरपी वैल्यू इसकी ये है, ठीक है कुछ मैन मैन एलिमेंट्स के कुछ होंगे मैं लिख देता हूँ बाकी के हमें याद करने की जरूरत नहीं है, तो देखिए कुछ होंगे है क्या, एक जैसे हमें जिंक का लिखना, देखो जिंक का कितना होता है E नॉट Zn2 पॉजिटिव और ये Zn, इसका होता है -0.76 वोल्ट, ये जिंक का हो गया। Ag, Ag का लिख लेते हैं, देखो Ag का होता है E नॉट Ag पॉजिटिव Ag बराबर प्लस के 0.80 वोल्ट। Au का कितना होता है E नॉट Au3 पॉजिटिव Au, ये होता है इसका प्लस के 1.50 वोल्ट, लगभग में ये होते हैं, ठीक है। Fe है, Fe कहाँ है ये रहे, Fe का है E नॉट Fe2 पॉजिटिव और ये Fe, इसका है बराबर -0.44 वोल्ट। इनके कुछ होंगे एसआरपी वैल्यूज मैंने लिख दिए, ठीक है जो मैन मैन है, और अब इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ईसीएस है, ईसीएस को ध्यान रखना है, इसको एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या कहते हैं एसईपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको क्या करा गया इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा गया है, तो ये अब कैसे कैसे अरेंज हुआ और इसके क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो देखो इनको हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको देखो जगह बना लेते हैं इसमें, यहाँ पे जगह बना, इनको हटा देते हैं। तो देखो ये जो अप टू डाउन हम चलेंगे ऐसे ऐसे चलेंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या होगा, इनकी एसआरपी वैल्यूज बढ़ रही हैं, देखो ये माइनस है और सबसे ज्यादा ईयू की कितनी है प्लस के 1.50 वोल्ट, तो देखो -3.0 से नीचे की तरफ जाओगे तो प्लस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी एसआरपी वैल्यू बढ़ रही है, तो कौन सा ग्राम है एसआरपी वैल्यू, एसआरपी वैल्यूज का बढ़ता क्रम, एसआरपी वैल्यूज का बढ़ता क्रम, तो ऊपर से नीचे की तरफ एसआरपी वैल्यूज क्या हो रही है बढ़ रही है, तो अब देखो एसआरपी वैल्यूज बढ़ रही है, एसआरपी वैल्यूज है क्या, एसआरपी वैल्यूज कुछ नहीं ये बता रही है कि मेटल आयन कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, यानी जिसकी एसआरपी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर उतनी अधिक होगी, ये एसआरपी वैल्यूज है। तो देखो सबसे तेजी से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा एयू यहाँ पर, क्योंकि एयू का यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी रिडक्शन पावर इसकी सबसे ज्यादा, तो एसआरपी वैल्यू इसका बढ़ता क्रम है नंबर फर्स्ट, तो फिर सेकंड क्या होगी रिडक्शन, रिडक्शन नेचर भी बढ़ेगी, रिडक्शन नेचर भी क्या होगी रिडक्शन नेचर का बढ़ता क्रम, तो रिडक्शन भी बढ़ेगा, रिडक्शन पावर भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड,
एसआरपी वैल्यूज बढ़ रही है नीचे की तरफ, रिडक्शन नेचर बढ़ रही है, और क्या बढ़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का बढ़ता क्रम। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है? जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करना है उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। भाई जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो खुद तो रिड्यूज होगा, लेकिन दूसरे वाले को, सामने वाले को क्या करेगा? उसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यानी जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो खुद रिड्यूज होगा, लेकिन जिसका इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है उसको कर दिया उसने ऑक्सीडाइज, इसलिए वो एलिमेंट कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो सभी नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ रही है, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रही है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। नंबर फोर क्या होगा? मेटल रिएक्टिविटी क्या होती है? घटती है। सीधी सीधी बात है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर घट रही होगी, तो सिंपल हो तो उसी से क्रॉस हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट। अब देखो जब मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना लेती है वो क्या होती है? मेटल। तो अब इसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर क्या होती जा रही है? वो घटती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना कहलाता है रिड्यूसिंग नेचर। तो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर घट रही है तो रिड्यूसिंग नेचर भी घट रही होगी, तो रिड्यूसिंग नेचर भी घटेगी। रिड्यूसिंग नेचर घटती है, रिड्यूसिंग नेचर घटती है। नंबर सिक्स पॉइंट, उससे जो भी ऑक्साइड बनेगा, जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव उससे जो ऑक्साइड बनेगा उतनी ज्यादा स्टेबल, तो मेटल जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी ऑक्सीजन को उतने स्ट्रॉन्गली जोड़ कर पावरफुल जोड़ेगी, तो इसका मतलब उसको टूटने की क्या होगा? टूटने का जो चांस है वो कम होगा। तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, मींस पॉजिटिव गुण बढ़ रहा है, जितना पॉजिटिव गुण बढ़ेगा ऑक्सीजन को उतना स्ट्रांगली जोड़ेगा, तो उससे जो ऑक्साइड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है? अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती जा रही है। तो मेटल की रिएक्टिविटी अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज हो रही है, मींस उससे जो भी ऑक्साइड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी नीचे की तरफ घटेगी। तो ये क्या होगा? मेटेलिक ऑक्साइड की स्टेबिलिटी, मेटेलिक ऑक्साइड की स्टेबिलिटी घटती है, स्टेबिलिटी घटती है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने इनको बिल्कुल इजी वे में हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ये तीनों चीज पढ़ रही हैं और ये सारी चीज घट रही है, इसके लिए इन तीनों पॉइंट्स के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको एक ट्रिक में लिख सकते हैं, एक पॉइंट में लिख सकते हैं। ये है क्या? पूरी ईसीएस सीरीज उसी एक पॉइंट के अंदर आ जाएगी कि ये कब घटेगी, कब बढ़ेगी और कब चेंज नहीं होगा। तो इसको देखो इधर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, बाद में लिखेंगे इसको। तो इसके देखिए पॉइंट क्या बनाने हैं आपको, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इतनी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, ये है समानुपाती क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक, और समानुपाती रिडक्शन पावर, समानुपाती क्या है? रिडक्शन पावर।
ये वाला, और SRP अब इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिड्यूसिंग नेचर, और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा मेटल रिएक्टिविटी, और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। भाई ये सारे आ गए SRP, ये भी SRP और ये भी SRP। तो देखिए ये पॉइंट्स आ गए, नंबर फर्स्ट ये पॉइंट बना दिया, नंबर टू ये बना दिया, नंबर थ्री ये बना दिया, नंबर फोर ये बना दिया। इन्हें SRP वैल्यूज क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के प्रोपोर्शनल है। SRP बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी और रिडक्शन पावर बढ़ेगी। SRP बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग नेचर घटेगी। SRP बढ़ेगा, मेटल रिएक्टिविटी घटेगी। SRP बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड घटेगा। तो अब इन पे देखिए क्वेश्चन कैसा आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स बता दें आपको ECS के बारे में। देखिए क्या, नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है, मेटल रिएक्टिविटी अप टू डाउन जाने पर घट रही है। क्या हो रही है, मेटल रिएक्टिविटी घट रही है। यानी अप टू डाउन जाने पर मेटल रिएक्टिविटी घट रही है, तो इसमें यह है कि जो रिएक्टिव मेटल है अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, यानी जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से क्या कर देती है, रिप्लेस, उसको हटा देती है। सेकंड पॉइंट ये है, अब देखो लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है और ऊपर से नीचे की तरफ घटेगी, तो इसमें लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर लिथियम में है, तो लिथियम इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये सभी को अपने से नीचे वाली मेटल्स को उनके साल्ट से आसानी से उनको हटा सकती है, विस्थापित कर सकती है। दूसरी बात करते हैं, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी मेटल्स, कुछ मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है, कुछ मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे है। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित डायरेक्टली नहीं कर सकती है। दो पॉइंट हुए, नंबर थ्री पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए ये, जैसे यानी रिएक्टिविटी पे चलो क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट इनको हटा देते हैं, यानी इसको क्वेश्चन बनाते हैं हम यहां पर, यहां बना देते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं रिएक्टिविटी पर, क्वेश्चन के साथ साथ इसको समझते हैं। एग्जांपल्स है रिएक्टिविटी, पहले देखते हैं रिएक्टिविटी। ने जो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके स्थान से हटा देगी। तो आप देखो जैसे हम लें लिथियम या जिंक और जिंक को मिलाते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4, Zn और CuSO4, CuSO4 का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। रिएक्टिविटी देख रहे हैं, रिएक्टिविटी का एग्जांपल। अब देखो ECS में हम देखेंगे कि Zn का स्थान Cu से ऊपर है, तो Zn की रिएक्टिविटी क्या है, Cu से ज्यादा, Zn की रिएक्टिविटी क्या है, Cu से ज्यादा। तो Zn Cu को आसानी से उसके साल्ट से विस्थापित कर देगी और क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस में बनेगा Cu, Cu बन जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साथ से विस्थापित कर दिया। तो अब देखिए जब हमने कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन कैसे कलर में था, ब्लू कलर में, ब्लू कलर। लेकिन जिंक मिलाने के बाद उसका ब्लू कलर क्या होगा, डिसअपीयर होगा, डिसअपीयर कलर, डिसअपीयर, डिसअपीयर कलर, या कह सकते हैं क्या हो जाएगा, कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। तो
तो रिएक्टिविटी पे फर्स्ट एग्जांपल ये होगा। ठीक, अब सेकंड बात करते हैं, देखो हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर या उस पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन रिएक्टिविटी से। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड देखो बनाते हैं जैसे Li2O, दूसरा बनाते हैं K2O, फिर बनाते हैं BaO और एक बनाते हैं SO2। अब हमें इनके ऑक्साइड जो बने हैं उनमें ये देखना है किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी अब देख रहे हैं हम किसकी यहां पे ज्यादा है। तो अब देखो लिथियम का स्थान सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे पोटेशियम आएगा, फिर बेरियम आएगा, फिर स्ट्रॉन्सियम आएगा, यानी मेटल की रिएक्टिविटी नीचे की तरफ बढ़ रही है, रिएक्टिविटी मेटल की घटेगी, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, Li2O, फिर कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल, ये फिर ये, यानी नीचे की तरफ ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो ये इसका सेकंड एग्जांपल। थर्ड पे बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, प्रोपोर्शनल है SRP, SRP वैल्यू बढ़ रही है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी। देखो जैसा आपको दे दिया उसने Zn, CuFe, Zn, CuFe, अब इसमें इसमें पूछा आपसे बताइए ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा किसकी है, क्योंकि वो SRP वैल्यू आपको देगा। SRP वैल्यू देखो इसकी कितनी होती है -0.76 वोल्ट, इसकी कितनी होती है +0.34 वोल्ट, और इसकी कितनी होती है -0.44 वोल्ट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है SRP के समानुपाती, SRP बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखो सबसे SRP वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, Cu की, तो Cu की यहां ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा। फिर इन दोनों में से SRP वैल्यू किसकी ज्यादा, Fe की, तो क्या होगा Fe, फिर क्या आएगा इसके बाद Z, यानी SRP वैल्यू बढ़ रही है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रही है, SRP वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी सबसे ज्यादा इसी की होगी। इन दोनों में से फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर SRP वैल्यू इसकी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी जिंक की ऑक्सीडाइजिंग नेचर है सबसे कम। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी हम बता सकते हैं। अब मैं आता है रिड्यूसिंग नेचर, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, रिड्यूसिंग नेचर क्या था, फोर्थ पॉइंट है रिड्यूसिंग नेचर इनवर्स प्रोपोर्शनल है SRP। अब SRP वैल्यू बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग नेचर घटेगी। भाई ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं को ध्यान रखो, सारी ऐसे सीधे फोर्थ पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगी, इन्हीं में सारे फाइनल हो जाएंगे। अब जैसे रिड्यूसिंग नेचर हमसे पूछे हुए लिथियम और सोडियम, जिंक, कॉपर, Au, इनकी रिड्यूसिंग नेचर बताइए, इनका रिड्यूसिंग नेचर के इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो देखो SRP लिथियम का कितना होता है, लिथियम का -3.04, जिंक का कितना है -0.76, कॉपर का कितना है +0.34, Au का कितना है +1.50, सोडियम का भी किसमें माइनस में है, माइनस एक्स मान लिया, एक्स वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है SRP वैल्यू देखेंगे। देखो SRP वैल्यू यानी सबसे ज्यादा सबसे कम किसकी SRP वैल्यू, देखो रिड्यूसिंग नेचर SRP के इनवर्स प्रोपोर्शनल, SRP जिसकी कम, रिड्यूसिंग नेचर उसकी सबसे ज्यादा, तो SRP सबसे कम किसकी है लिथियम की, तो रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा लिथियम की। इसके बाद देखो ये दोनों माइनस में और ये दोनों प्लस में, तो इन दोनों में से सोडियम की क्या है SRP वैल्यू कम है, क्योंकि जिंक तो सोडियम से नीचे है, जब सोडियम से नीचे तो SRP वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। तो फिर इसके बाद कौन आएगा Na के बाद कौन आएगा Zn। अब इनमें SRP वैल्यू किसकी कम है कॉपर की, फिर
बाद में आएगा एयू, ये हो जाएंगे रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, तो आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चार पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, एसआरपी वैल्यू बढ़ेगी तो रिडक्शन पावर बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी, ठीक है, और मेटल रिएक्टिविटी घटेगी, रिड्यूसिंग नेचर घटेगी अप टू डाउन जाने पर, और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड भी घटेगी नीचे की तरफ। यानी अप टू डाउन जाने पर तीन चीजें इंक्रीज हो रही हैं, कौन सी, रिडक्शन पावर इंक्रीज हो रही है अप टू डाउन में, ऑक्सीडाइजिंग नेचर अप टू डाउन में इंक्रीज हो रही है, और क्या हो रही है, एसआरपी वैल्यूज भी बढ़ रही है नीचे की तरफ। तीन चीजें घट जाएंगी, रिड्यूसिंग नेचर घटेगी अप टू डाउन जाने पर, और रिड्यूसिंग नेचर के बाद मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, और क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड भी डिक्रीज होगी अप टू डाउन जाने पर। इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं पे क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली, ज्यादातर है ना इसमें स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन घूम जाते हैं। क्वेश्चन आपको घूमना नहीं है, चार पॉइंट्स अपने पास रखिए और उनके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर देखिए और भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप हमने डिस्कस किए और सब पे हमने डिटेल्स में बात की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सारी कहानी है। ठीक, तो ध्यान रखना आपसे पूछ लगे भी एसआरपी वैल्यू सबसे कम किसकी, हाँ एक बात और है, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन क्या है, मान लीजिए हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं सबके एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं सबकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव, और जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है ईसीएस में जिसका स्थान ऊपर है हमेशा उस धातु का इलेक्ट्रोड बनेगा, और जो से नीचे है मेटल उसका बनेगा कैथोड। देखो जैसे Zn है, Zn और Cu, तो देखो Zn का स्थान ईसीएस में Cu से ऊपर होता है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, Zn की, यानी Zn की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा, Cu से, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो बनेगा एनोड, और जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो बनेगा कैथोड। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर आपसे पूछ सकते हैं कौन से मेटल इलेक्ट्रोड का काम करेगी, कौन सा कैथोड का काम करेगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, जिसकी ज्यादा एनोड बनेगा, जिसकी कम कैथोड बनेगा। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर मूव करेगा और करंट कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा। तो सारी कहानी ये है इसकी गैल्वेनिक शैल की। तो गैल्वेनिक शैल में देखिए और तो कोई ज्यादा वो नहीं है, बस यही चीजें पूछता है। अब एक नॉन मेटल के ईसीएस और है, तो नॉन मेटल के ईसीएस पे कल डिस्कस करते हैं, कल उस पर बात करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और आई थिंक आपको जो चीज़ आज बताइए बहुत डिटेल्स में बताइए, लॉजिकली चीज़ है तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई अब क्वेश्चन गलती नहीं करनी है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, और न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।